हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील। मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ इस मदरबोर्ड का। ये है 8 पिन SMPS का। ये 8 पिन देख रहे होंगे, ये SMPS 8 पिन SMPS का H81 मदरबोर्ड है। ये H81 मदरबोर्ड है और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो है प्रॉब्लम, इसमें डिस्प्ले का इशू आ रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ एक बार। ये 8 पिन कनेक्टर का है मदरबोर्ड H81, तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो नॉन डिस्प्ले। तो मैं आपको चेक करा देता हूँ CPU रैम लगा के। ये देखिए, ये मेरे पास 8 पिन SMPS है। ये देखिए 8 पिन SMPS है, मैं इसमें CPU लगा रहा हूँ। और आपको इसमें करना क्या है और चेक क्या करना है, बस मेरा जो कॉन्सेप्ट आप उस समय, तो मैं आपको आइडिया बताता हूँ। बहुत सारे मदरबोर्ड का ऐसा नहीं होता है कि कोई कंप्यूटर लगाए तभी चलेगा। कुछ कंप्यूटर निकालने के बाद भी शॉर्ट हो जाते हैं, कुछ कंप्यूटर निकालने के बाद भी मदरबोर्ड जो उसमें IC जो है लगी हुई है, इसमें वो रिमूव करने के बाद नहीं लगाना IC उसको, और वो डिस्प्ले आ जाएगा। देख, मैं आपको दिखा रहा हूँ। SMPS घूम रहा है मगर डिस्प्ले नहीं आई है। देखें, उसका प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, जो बार बार मैं IC पर हाथ रख रहा हूँ। ये देखिए, ये जो IC मैं आपको कर रहा हूँ, ये IC शॉर्ट है। ये IC शॉर्टिंग वजह से ये हीट भी हो रही है और ये IC शॉर्ट है। खास तौर आप ध्यान रखो, इस टाइप के मदरबोर्ड में अगर कोई मदरबोर्ड आपका आता है ये इसी टाइप का 8 पिन कनेक्टर का, अगर उसमें डिस्प्ले नहीं आती है तो आपको ये फ़ैन कनेक्टर के बगल में एक IC लगी है उसको रिमूव कर देना है और इसमें डिस्प्ले आ जाएगा। देखिए, डिस्प्ले नहीं आ रहा अभी इसमें, मगर मैं आपके सामने VGA भी लगा दी, मैंने रैम भी लगा रखा है, CPU भी हीट हो रहा है, CPU हीट हो रहा है। अभी देखिए, मैं आपके सामने IC रिमूव करूँगा और डिस्प्ले आ जाएगा। बोलो। IC से मैं IC से रिमूव कर रहा हूँ। ये मैंने IC हटा दी है। उसका IC रिमूव कर दीजिए, या IC शॉर्ट थी फिजिकली, मैं आपको दूंगा। या IC शॉर्ट थी, मैंने IC को रिमूव कर दिया है इस जगह से। और ये IC निकालने के बाद ये क्या है, ये जो IC है वो हार्डवेयर कंट्रोल करती है इसका टेम्परेचर, इस वजह से शॉर्ट हो गई है वो, और इसको रिमूव कर दिया है और डिस्प्ले भी आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि इस IC को लगाना है, अगर आपके पास है तो लगा दें, नहीं है तो रहने दें, जगह खाली रहने दें। और देखिए, मैं आपको दिखा दूँगा लाइव प्रैक्टिकली। ये देखिए, इसमें डिस्प्ले आ जाएगा। अभी रैम लगा, CPU लगा दिया है, देखना अभी अभी डिस्प्ले आ जाएगा इसमें। H81 का है, थोड़ा सा टाइम लगता है, डिस्प्ले आ जाएगा। नहीं तो उसका रैम स्लॉट चेंज कर लेते हैं एक बार, रैम स्लॉट चेंज कर लेते हैं घर इसका, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले आ जाएगा। CPU हीटर है, कनेक्टर नहीं लगेगा, मेरे पास नॉर्मल CPU फैन का है, तो इसमें लगा देता हूँ।
मैंने फिर से ये देखिए, मैं इसमें रैम स्लॉट को चेंज करके दोबारा से रिमूव करके निकाल के लगाई है, और देखिए इसमें पावर दे दिया है, पावर आ गया है। अब देखिए ये डिस्प्ले आ जाएगा इसमें, देखिए ये देखिए दोस्तों आ गया इसमें। मैं आपको बता रहा हूँ ये 8 पिन का HT मदरबोर्ड है, आपके पास ये आता है, आपको इस IC को रिमूव करना है। जो नियर ये फ़ैन कनेक्टर लगा हुआ है, इसके बगल में IC लगी होती है, ये टेम्परेचर कंट्रोल के लिए होती है। ये शॉर्ट हो गई है, मैंने इसको रिमूव कर दिया है। ये ऑप्शनल है, इसको लगाना नहीं लगाना वो आपके ऊपर है, नहीं लगाओगे तब भी मदरबोर्ड वर्किंग कंडीशन में रहेगा। ये देखिए ये डिस्प्ले आ गया। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।